हेलो एवरीवन, आज है 15 जनवरी 2022 और शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मेरा नाम है निरंकार, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चीफ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों एस सोमनाथ, ये रिप्लेस करेंगे किसको, के सिवान को, जो इससे पहले हमारे इसरो के चीफ थे, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं एस सोमनाथ, इसरो के दोस्तों हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मिलेंगे। इसरो के दोस्तों फाउंडर कहलाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। वैसे तो 1962 में ही नींव रख दी गई थी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई द्वारा, लेकिन इसरो जो है प्रॉपर कब आया था फॉर्म में, 1969 में, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन इन टोक्यो ओलंपिक्स टू द पोस्ट ऑफ डीएसपी। तो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है हाल ही में दोस्तों। दोस्तों आसाम ने किया दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आसाम गवर्नमेंट ने हाल ही में डीएसपी के तौर पर अपॉइंट किया है किसको, लवलीना को, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर। आसाम की कैपिटल है दोस्तों क्या, दिसपुर, और आसाम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है। आसाम में ही कंचनजंगा है, कंचनजंगा बोल रहा हूँ सॉरी दोस्तों, वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। उस नेशनल पार्क का नाम क्या है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए दोस्तों। आपको पता है आसाम में वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं, और वो वन हॉर्न राइनोस कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए दोस्तों, क्वाइट इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू फीचर ऑन अ यूएस क्वार्टर। यूएस क्वार्टर क्या है दोस्तों, एक तरीके का नया कॉइन है। तो यूएस क्वार्टर में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माया एंजोला पहली अश्वेत महिला बनी है, ठीक है, जो कि यूएस के कॉइन पर जिनकी तस्वीर छपी है, ये देख सकते हैं दोस्तों, और ये इनकी रियल तस्वीर है, ठीक है। जो अभी यूएसए ने एक नया वर्जन क्या निकाला है, कॉइन निकाला है, जिसपे इनकी तस्वीर छपी है, ये पहली ब्लैक पर्सन थी, पर्सन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज लॉन्च्ड अ कोविड फ्री विलेज कॉन्टेस्ट टू कर्ब ओमिक्रॉन स्प्रेड। तो किस शहर ने ओमिक्रॉन प्रसार को रोकने के लिए एक कोविड मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है, किसने शुरू की है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पुणे ने ये प्रतियोगिता शुरू की है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला 2022 इज करंटली अंडरवे इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। तो गंगा सागर मेला 2022 वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्य में चल रहा है। तो कौन से राज्य में दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेस्ट बंगाल में चल रहा है। और वेस्ट बंगाल का आपको पता है दुर्गा पूजा बहुत ज्यादा फेमस है, और दुर्गा पूजा कोई हाल ही में यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था, याद रखिए। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, ठीक है, यहाँ की कैपिटल कोलकाता, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये गंगा सागर मेला जो है बिगेस्ट फेयर है इन द ईस्टर्न इंडिया, इट इज हेल्ड एट सागर आइलैंड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश रॉयल फैमिली मेंबर हैज बीन स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल हिज रॉयल पैट्रोनेजेस एंड मिलिट्री टाइटल्स। तो किस ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य से उसके सभी शाही संरक्षण और सैन्य उपाधियां छीन ली गई हैं दोस्तों, किससे छीन ली गई हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंस एंड्रयू से सारी की सारी शाही संरक्षण और उपाधियां छीन ली गई हैं दोस्तों। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं प्रिंस एंड्रयू की, ठीक है। यूके में आपको पता है अभी भी, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, लेकिन वहां पे अभी भी क्वीन जो है हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है, क्वीन है। क्वीन कौन है अभी, एलिजाबेथ, ठीक है दोस्तों।
आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, इंडिया और यूके एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखकर दोस्तों जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, विच टीम इज रैंक्ड एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल 2021-2023। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल 2021-23 में किस टीम को टॉप पर रखा गया दोस्तों, किसको रखा गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रखिए श्रीलंका को टॉप पर रखा गया है और ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे है, पाकिस्तान फोर्थ नंबर पे है और इंडिया फिफ्थ पोजीशन पे है। ठीक है दोस्तों, आपको पता चला, फिर से बोल देता हूँ, श्रीलंका फर्स्ट पे है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे है, पाकिस्तान फोर्थ पे है और इंडिया की पोजीशन फिफ्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग अ लॉ टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग। दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग का आजकल बहुत चलन चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जो है, बच्चों पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है और हाल ही में एक बच्चे ने मध्य प्रदेश में सुसाइड भी कर ली थी ऑनलाइन गेम को लेकर। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंस करा है कि ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून लाएंगे। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है कौन? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, क्या? भोपाल, आप देख सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के अभी होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अवार्डेड अ $375 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिया फॉर द ब्रह्मोस मिसाइल। तो किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत को 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ठेका दिया है? तो याद रखिए, विच कंट्री हैज अवार्डेड $375 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिया फॉर द ब्रह्मोस मिसाइल। तो दोस्तों हमसे अभी ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है फिलीपींस, याद रखिए फिलीपींस क्यों खरीद रहा है, आपको पता होना चाहिए। फिलीपींस का जो है एक डिफेंस पैक्ट है किसके साथ? यूएसए के साथ। कहने का मतलब है, अगर कोई भी देश फिलीपींस पे अटैक करता है तो यूएसए फिलीपींस को बचाएगा, फिलीपींस की तरफ से लड़ाई लड़ेगा। फिर भी फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है क्यों? क्योंकि उसे डर है चाइना का। ठीक है, चाइना का डर है। इसके अलावा वियतनाम को भी पता है आपको, वियतनाम भी बातचीत चल रही है वियतनाम की भारत से, कि वियतनाम भी ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के ताक में है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं फिलीपींस ने अभी खरीदा है 375 मिलियन सप्लाई करके। अगला क्वेश्चन है, अ वेटरन जर्नलिस्ट कमल खान पास्ड अवे एट द एज ऑफ 61 ऑन जनवरी 14, 2022। ही वर्कड विद विच मीडिया चैनल। तो एक दिग्गज पत्रकार कमल खान का 61 साल की उम्र में 14 जनवरी 2022 को निधन हो गया। उन्होंने किस मीडिया चैनल के साथ काम किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, NDTV के ये पत्रकार थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं कमाल खान की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज थ्री नेवी शिप्स हैव अराइव्ड ऑन टू डे गुडविल विजिट टू कोची इंडिया इन जनवरी 2022। तो निम्नलिखित में से कौन से देश की के तीन नौसेना पोत जनवरी 2022 में भारत के कोची के दो दिवसीय सद्भावना दौरे पर पहुंचे हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी रशिया के ये दो नेवी शिप आए हैं अभी कहाँ पे? कोची में। कहाँ? कोची में। और आपको पता है कोची भारत का पहला शहर है जहाँ पे वाटर में मेट्रो, मतलब वाटर में जो है मेट्रो, मेट्रोलॉजिकल वाली सिटी बन चुकी है। यहाँ पे वाटर में भी क्या अभी मेट्रो चलाई जा रही है दोस्तों। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है किसमें? वाटर में भी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए अभी कोची पहला शहर बना है, आप देख सकते हैं दोस्तों रशिया। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। डेविस कप 2021 वाज वन बाय रशियन टेनिस फेडरेशन बाय डिफीटिंग क्रोएशिया इन डेविस कप फाइनल इन मैड्रिड। ठीक है दोस्तों, रशिया हैज स्टार्टेड सप्लाइंग कंपोनेंट्स फॉर S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू इंडिया एज पार्ट ऑफ $5.2 बिलियन डील। तो आपको पता है हम लोग S-400 मिसाइल किससे खरीद रहे हैं? रशिया से खरीद रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों रशिया की नेवी ने हाल ही में टेस्ट फायर करा था जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। याद रखिए जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसका है? रशियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टर प्रोड्यूसर इम्तियाज अली, आप सभी इनको जानते होंगे, हैज बीन ड्रॉप्ड इन एज द एम्बेसडर ऑफ द रशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डॉक्टर्स हैव सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट इनटू ह्यूमन बॉडी। तो निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले अनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक
प्रतिरोपित किया है दोस्तों। ऐसा करा है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसने, डॉक्टर्स ने, ठीक है। उन्होंने सुअर का जो हार्ट है मैन में लगाया है, इंसान में लगाया है, और ये है व्यक्ति पहले जिनके हार्ट, जिनको सुअर का हार्ट लगाया गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टू शोकेस इनोवेटिव सॉल्यूशंस विद इन द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2021। तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के भीतर नवीन समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2021 लॉन्च किया है? तो इसका इजी आंसर आप ऑप्शन देके भी बता सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। और ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। कौन? पीयूष गोयल, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट करा जाता है 21 नवंबर को। कब? 21 नवंबर को, ठीक है। आशा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज न्यूज में रही थी, क्या कि आसाम के जो मिनिस्टर हैं, जो फिशरीज और एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड एक्सरसाइज के जो मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है परिमल, ठीक है परिमल, इन्होंने लॉन्च करा था एक ऐप जिसका नाम था फिश वाले, इंडिया फर्स्ट ई फिश मार्केट, ठीक है, याद रखिए, एक ऐप लॉन्च करा था जिसका नाम था फिश वाले, जो कि इंडिया का फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप था, ठीक है। तो ये लॉन्च करा है आसाम ने, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, Who among the following persons has been selected as the baton bearer for the ongoing 16th official Queen's Baton Rally 12th January to 15 January 2022 in India? तो भारत में चल रही 16वीं आधिकारिक Queen's Baton Rally जो 12 से 15 जनवरी 2022 तक के लिए चल रही है, के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बैटन बियरर के रूप में चुना गया है दोस्तों? किसको चुना गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विनिशा उमा शंकर को चुना गया है, याद रखिए दोस्तों। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, और ये एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कहां से? तमिलनाडु से, ठीक है दोस्तों। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में विरल सुधीर भाई देसाई को ऑनर किया गया, किससे? ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से, ठीक है, याद रखिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से किसको नवाजा गया है? विरल सुधीर भाई देसाई को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जिसे शॉर्ट में सेल कहते हैं, जो कि किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है, इसको अवार्ड करा गया क्या? प्रेस्टीजियस गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 फॉर सक्सेसिव 3 इयर्स, लगातार 3 सालों से, ठीक है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहिए प्राइम मिनिस्टर किसके? यूके के बोरिस जॉनसन है, और कैपिटल क्या है? यूनाइटेड किंगडम की लंदन है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अरुण गोयल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इनॉग्रेटेड एन एग्जीबिशन ऑन अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव इन विच सिटी इन जनवरी 2022? तो भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरुण गोयल ने जनवरी 2022 में किस शहर में आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है दोस्तों? बी इज द राइट आंसर, भोपाल में इन्होंने ये प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, ठीक है। आपको पता चला हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी के सेक्रेटरी कौन है? अरुण गोयल, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भेल, जो इसका फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इज इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, याद रखिए, और ये किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है दोस्तों, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको नई दिल्ली में मिलेंगे, और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, भेल की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद मिंका सुपे टू ऑफर द स्मूथेस्ट नेट बैंकिंग पेमेंट एक्सपीरियंस फॉर इट्स कस्टमर्स थ्रू अ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन? तो किस बैंक ने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए सबसे आसान नेट बैंकिंग भुगतान अनुभव प्रदान करने के लिए मिंका सुपे के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? किस बैंक ने साझेदारी करी है दोस्तों मिंका सुपे के साथ? दोस्तों इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक, याद रखिए एक्सिस बैंक ने ये साझेदारी करी है ताकि अपने कस्टमर्स को क्या? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जा सके,
और ट्रांजेक्शन को इजी बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, एक्सिस बैंक का पहले नाम था दोस्तों यूटीआई बैंक। क्या? यूटीआई बैंक। एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे सेल ऑब्जर्व। तो सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 14 जनवरी को। ठीक है, याद रखिए कब क्या मनाया जाता है, वेटरन्स डे, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे आप देख सकते हैं। और ये कब से सेलिब्रेट करा जा रहा है, 2017 से। ठीक है, और ये क्यों रिकॉग्नाइज क्यों सेलिब्रेट करा जाता है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे रिकॉग्नाइजेस द सर्विसेज रेंडर्ड बाय फील्ड मार्शल केएम करियप्पा। तो याद रखिए केएम करियप्पा फील्ड मार्शल थे, जो कि पहले भारत के पहले फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थे। काफी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस कौन थे, तो मार्शल के एम करियप्पा। ठीक है दोस्तों, और ये रिटायर कब हुए थे, जनवरी 14, 1953 में। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जनवरी को वर्ल्ड पीस डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे, और 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में 1 जनवरी को वर्ल्ड फैमिली डे बोल दिया था, जो कि थोड़ा सा गलत हो सकता है। ठीक है, प्लीज करेक्ट कर लीजिए, वर्ल्ड फैमिली डे नहीं, वर्ल्ड पीस डे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी की 11 जनवरी को सेलिब्रेट करी जाती है, और नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज साइंड अ प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट विद विच स्टेट टू इन्वेस्ट ₹5.95 लाख करोड़ मेनली इन ग्रीन एनर्जी। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने मुख्य रूप से हरित ऊर्जा में 5.95 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए किस राज्य के साथ प्रारंभिक समझौता किया है? दोस्तों गुजरात के साथ समझौता करा है, याद रखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए, किसमें? ठीक है दोस्तों, ग्रीन एनर्जी में आप देख सकते हैं। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल है, यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, यहाँ पे टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा की सीट 26 है, राज्यसभा की 11, और स्टेट एनिमल दोस्तों एशियाटिक लायन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिर नेशनल पार्क पाया जाता है। इसके अलावा स्टेट बर्ड दोस्तों ग्रेटर फ्लेमिंगो है नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क है, ब्लैक बग नेशनल पार्क है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ये तो बता ही दिया, मैरिन नेशनल पार्क है। कुछ डैम्स भी हैं इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा रिवर पे स्थित है और ये गुजरात में आता है, उकई डैम भी है जो ताप्ती रिवर पे है, दंतीवाड़ा डैम है जो बनास रिवर पे है, कदाना डैम है माही रिवर पे है। इसके अलावा रजिस्टर जीआई टैग भी है, जैसे अगार्ट्स ऑफ कम्बे, कच्छ एम्ब्रॉयडरी है, पटन पाटो है। ठीक है, ये सारे जीआई टैग भी यहाँ रजिस्टर्ड है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज बीन एडजस्ट बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट। तो प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत का बेस्ट प्राइवेट बैंक चुना गया है दोस्तों, किसको? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी एचडीएफसी बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक चुना गया है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट इज पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा, फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट पब्लिश करा जाता है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, एमडी और सीईओ एचडीएफसी बैंक के कौन है, शशिधर जगदीशन क्या है, एमडी और सीईओ, हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिलेंगे। एचडीएफसी की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी और इसकी टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मेडल विनिंग स्प्रिंटर डियोन लेंडोर पास्ड अवे इन जनवरी 2022, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज ही बिलोंग। तो ओलंपिक पदक विजेता धावक डियोन लेंडोर का जनवरी 2022 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, त्रिनाद और टोबैगो देश से संबंधित है, याद रखिए डियोन लेंडोर। ठीक है, आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर, और ये त्रिनाद और टोबैगो देश से संबंधित है, ये है छोटा सा देश आप देख सकते हैं, ये कहाँ है दोस्तों, साउथ अमेरिका में है, कहाँ है, साउथ अमेरिका के थोड़ा सा ऊपर है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह कोलंबिया कोलंबिया, यह नीचे ब्राजील, यह गुयाना, ठीक है, यह वेनेजुएला, ठीक है, आपको दिखा लोकेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यह है अटलांटिक सी। कुछ रिसेंट ओबिचुरीज देख लेते हैं। हाल ही में जस्टिस गिरीश टी नानावती का निधन हो गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ब्रिटिश आर्किटेक्ट रिचर्ड रॉजर का भी हाल ही में निधन हो गया। अमेरिकन ऑथर जिनका नाम है एने राइस, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों याद रखिए, एने राइस एक अमेरिकन ऑथर थी। इसके अलावा दोस्तों विसेंटे फर्नांडेज एक लेजेंडरी मैक्सिकन सिंगर थे, इनका भी दिसंबर 2021 में निधन हो गया। हाल ही में नोटेड एजुकेशनिस्ट और पद्मश्री अवार्डी नंद किशोर पृष्टि का भी हाल ही में दिसंबर में निधन हो गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन जनवरी 2022 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। तो जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया? तो सी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च करी। और इमरान खान यहाँ के क्या है, पीएम है दोस्तों, कैपिटल इस्लामाबाद है और करेंसी पाकिस्तानी रुपी है, नेशनल स्पोर्ट यहाँ का हॉकी है, ठीक है दोस्तों। और इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं रेड क्लिफ, क्या, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च अ स्ट्रेटेजिक मेडल एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड्स। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंडर्स लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों समझौता किया है ऑप्शन बी के साथ, यानी फर्स्ट ट्रस्ट एडवाइजर के साथ समझौता किया है। आप देख सकते हैं ये एक यूएस बेस्ड क्या है, वो है यूएस बेस्ड फर्स्ट ट्रस्ट एडवाइजर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में इंडिया हैज अनाउंस्ड अ यूएस डॉलर 900 मिलियन लोन टू विच कंट्री टू बिल्ड अप इट्स डिप्लीटेड फॉरेन रिजर्व्स एंड फॉर फूड इंपोर्ट्स। भारत ने जनवरी 2022 में किस देश को अपने घटे हुए विदेशी भंडार को बढ़ाने और खाद्य आयात करने के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की घोषणा करी है? तो आपको पता है कौन कंगाल चल रहा है अभी, श्रीलंका चल रहा है, तो श्रीलंका को ही 900 मिलियन का हम लोगों ने लोन दिया, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या है दोस्तों, दो कैपिटल है वैसे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जो कि क्या है, श्री जयवर्धने, और कोलंबो जो है कमर्शियल कैपिटल है। यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपी, ठीक है दोस्तों। और गोटबाया राजपक्षा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और महिंद राजपक्षा यहाँ के पीएम हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया इंक्रीज्ड बाय व्हाट इन 2021 एज कंपेयर टू 2019। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में भारत के कुल वन और वृक्षों का आच्छादन किस क्षेत्र में बढ़ा है दोस्तों। तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन निकालता है, तो फॉरेस्ट सर्वे निकालता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट निकालता है। तो कितना हमारे देश में फॉरेस्ट कवर का एरिया इंक्रीज हुआ है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2261 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर हमारे यहाँ इंक्रीज हुआ है। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा इंप्रूव जो है फॉरेस्ट का एरिया कहाँ हुआ है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अब मैं पूछूं सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो वो होगा एमपी, क्या, एमपी। लेकिन और मैं पूछूं कि फॉरेस्ट के मुकाबले में स्टेट के एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा एरिया कौन से राज्य में पाया जाता है, तो वो होगा मिजोरम। समझ में आया, कहने का मतलब मिजोरम का जितना बाउंड्री है, जितना एरिया है, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो पाया जाता है एरिया वाइज, उस स्टेट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, मिजोरम में पाया जाता है। मतलब मिजोरम का जितना बाउंड्री है स्टेट का, तो उस स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। लेकिन ओवरऑल नापा जाए तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, एमपी में। और इस रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें फॉरेस्ट का जो कवर एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, फॉरेस्ट एरिया जो है डिक्रीज हो रहा है, ऐसा रिपोर्ट में बोला गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस WESP 2022 रिपोर्ट व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन फिस्कल ईयर 2022। तो संयुक्त राष्ट्र की WESP रिपोर्ट 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था
की अनुमानित विकास दर क्या होगी। तो याद रखिए यूनाइटेड नेशन WESP के अनुसार भारत की विकास दर यानी GDP ग्रोथ रहेगी 6.5%, 6.5% याद रखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप हैज इंक्ड एन MOU विद साउथ कोरिया POSCO टू सेट अप अ ग्रीन एनवायरमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेटेड स्टील मिल इन विच स्टेट। तो अडानी ग्रुप ने किस राज्य में हरित पर्यावरण और अनुकूल एकीकृत स्टील मिल स्थापित करने के लिए दक्षिण कोरिया की POSCO के साथ समझौता किया है, याद रखिए। तो गुजरात के साथ अभी गुजरात में क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेटेड स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी ग्रुप ने कोरिया की कंपनी POSCO के साथ साइन किया है, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप। तो इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अरुंधति भट्टाचार्य इसकी लेखक है और ये SBI की फॉर्मर चेयरपर्सन भी रह चुकी है दोस्तों, ठीक है। अभी SBI के चेयरपर्सन कौन है दोस्तों? वो है दिनेश खरा, क्या? दिनेश खरा अभी चेयरपर्सन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO अभी किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इतिरा देवीस को हाल ही में, याद रखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का चीफ और MD नियुक्त किया गया दोस्तों, CEO और MD नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट हेली हब हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस हैविंग ऑल एविएशन फैसिलिटीज। तो भारत के पहले हेली हब का हाल ही में उद्घाटन किस राज्य किस स्थान पर किया गया है जिसमें सभी उड्डयन सुविधाएं हैं? तो ये दोस्तों इनॉग्रेट करा गया है गुरुग्राम में, ठीक है, और गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस के भी हेडक्वार्टर्स है, ठीक है दोस्तों, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, किसके द्वारा करी गई थी? इंडिया और फ्रांस ने मिलकर करा था, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।